गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने फैमिली आईडी में जितनी मैं आपको इनकम बताने वाला हूँ, अगर आपने उतनी भी इनकम लिखवा रखी है तो आपकी पेंशन कहीं नहीं जाने वाली है। आपको पेंशन मिलती रहेगी और ना ही आपकी पेंशन काटी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा ने किया बड़ा ऐलान, इतनी वार्षिक आय वाले बुजुर्गों की नहीं कटेगी पेंशन, जल्द करें चेक। तो जहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जिस सोमवार को अपडेट मिली है, जहाँ पर आप देख सकते हो, मंडे 2 मई 2022। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया है। प्रदेश में अब उन बुजुर्गों की पेंशन नहीं काटी जाएगी जिनकी सालाना आय 3.5 लाख रुपये है। जिनकी आमदन दोस्तों 3,50,000 तक भी है तो आपकी जो पेंशन है आपको मिलती रहेगी। जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा है उनकी पेंशन में कटौती की जा सकती है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में बुजुर्गों को सरकार ने बड़ी राहत देने का काम किया है। सरकार विभिन्न रूप से पेंशन की पात्रता के लिए वार्षिक आय का दायरा बढ़ाने जा रही है। यह लिमिट कितनी बढ़ाई जाएगी, इसका अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में 1,80,000 वार्षिक आय तक आने वाले बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने विधानसभा के में जवाब देते हुए कहा कि पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है, इसलिए परिवार पहचान पत्र में जो आय दी गई है उसमें 3.5 लाख या उससे अधिक आमदनी की जानकारी खुद सरकार के पास पहुंच रही है। लोगों की परेशानी को समझते हुए सरकार ने परिवार पहचान पत्र में गलतियों को सुधारने का मौका भी दिया है, जिससे बाद गलतियां सुधारी जाएंगी, उसे वेरीफाई कराया जाएगा। तो दोस्तों, क्लियर सी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो आमदन आपने फैमिली आईडी में 3 लाख जहाँ पर 3.5 लाख रुपये लिखवा रखी है तो आपकी पेंशन नहीं काटी जाएगी, आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, साथ में बता दें कि आप अपनी फैमिली आईडी को टाइम टाइम पर चेक करते रहिए, क्योंकि उसमें कोई भी एक गलती हो, यानी कि जो कोई एक या स्पेलिंग की गलती हो या फिर कोई भी गलती हो, उसके वजह से जो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो आप अपनी फैमिली आईडी को जरूर चेक करवाएं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कौन कौन सी गलतियां हैं। अगर आपको वो गलतियां देखनी है तो आप पिछली वीडियो जो मैंने कल डाली थी, यानी कि 1 मई को डाली है, जहाँ मैंने 2 मई को डाली थी दोस्तों, 2 मई की वीडियो को आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं हम 100। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।